क्योंकि देश की सरकार भाजपा की सरकार है और भाजपा के नेता प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने पूरे देश की जनता से धोखेबाजी किए हैं, वादा खिलाफी किया है और जिन्होंने वादा किया था उस वादा पर खरा नहीं उतरा है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और कुशवाहा समाज के बड़े जो नेता हैं भगवान सिंह कुशवाहा, वो पहुंचे हैं बिहार के सासाराम और वहां पर जवाहर प्रसाद जो कि बीजेपी के पूर्व विधायक हैं उनकी गिरफ्तारी हुई सासाराम दंगा मामले में। तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि जानबूझकर नीतीश कुमार कुशवाहा जाते से आने वाले नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में जवाब देने के लिए जदयू के तमाम नेता बीजेपी का पोल खोलने के लिए जो है वो पहुंचे सासाराम और वहीं पर पहुंचे हैं साथ में आपको जो है भगवान सिंह कुशवाहा और उन्होंने जोरदार हमला बोला है। कहा है कि नीतीश सरकार ने बिहार में मानसिक रोगियों के लिए अस्पताल बनाया है, ऐसे में उस अस्पताल में जाकर के बीजेपी के नेताओं को अपना इलाज करवाना चाहिए। कहा कि अभी हाल के दिनों में जो नया नया मुसलमान बने हैं वो ज़्यादा प्याज खा रहे हैं, इस तरह की बात भी उनकी तरफ से कही गई है। उन्होंने बीजेपी की जो मौजूदा बिहार में जो उनके जो नेता हैं और जो केंद्र की मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ जोरदार हमला बोला है। कहा है कि जानबूझ करके जो है बीजेपी जो है दंगा भड़का करके सांप्रदायिक तनाव पैदा करके वोटरों को एकजुट करने की कोशिश करती है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं संभव है। क्या कुछ कह रहे हैं भगवान सिंह कुशवाहा, सुनवाते हैं आपको। देश की सरकार भाजपा की सरकार है और भाजपा के नेता प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने पूरे देश की जनता से धोखेबाजी किए हैं, वादा खिलाफी किया है और जिन्होंने वादा किया था उस वादा पर खरा नहीं उतरा है। और उनके एक नेता है सम्राट चौधरी, जो मेंटल केस है, दिमागी तौर पर वो दिमाग का दिवालेपन के शिकार है और इसलिए हम उनको सलाह देते हैं कि पहले आप जाकर के कोरिडोर में मेंटल के खुलवाए हैं नीतीश जी अस्पताल, पहले वहाँ इलाज कराइए, एक बाद पार्टी चलाइएगा। 2024 तक की बिहार का अध्यक्ष है, आई कहते हैं कि 25 में हम पार्टी को तोड़ देंगे, तो 25 में आप रहिएगा तब ना पार्टी तोड़िएगा। इसलिए इस तरह के मेंटल केस का बहुत हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं, जिनको जो करना होगा करे। नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री का चेहरा है और नीतीश कुमार को सारा विपक्ष चेहरा मान रहा है, इसलिए उसी चेहरा पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे।